Assalamualaikum. Welcome to my channel Ank with Kashif. Today we are going to start book 2 part 1 lesson number 10. The jewel of the world. Jewel means a precious stone that is used to decorate valuable objects. Kimti ya phir johar. It's written by Philip K. Hitti, who was a Lebanese American professor and scholar at Princeton and Howard University, and authority on Arab and Middle East history, Islam and Semitic language. This essay gives us of the glorious civilization of Muslims in Spain. The essay starts with the dramatic escape of two young brothers from the Umayyad family from the hands of Abbasid. First of all, we are going to have Urdu summary of this lesson in order to understand. तो ये 750 का जिक्र है जब दमिश्क में बनु अब्बास ने बनु उमैया की जो बादशाहत थी उसका तख्ता जो है वो उल्ट दिया और उसके लोगों को कत्ल कर दिया। खुश नसीबी से एक 20 साल नौजवान अब्दुल रहमान जो है वो जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। अब्दुल रहमान एक दराज का दुबला पतला अकाबी नक्कूश और सुरख बालों वाला गैर मामूली असाब और सलाहियत का हामल नौजवान था। अब्बासियों से बच निकलने के बाद वो जनूब की तरफ सफ़र करता हुआ मुख्तलिफ तकालीफ को बर्दाश्त करता हुआ फ़लस्तीन पहुँच। यहाँ से वो एक दोस्त के हमराह शुमाली अफ्रीका पहुँचा, वहाँ बड़ी मुश्किल से जो है वो कत्ल होते हुए बचा। अब्बासी ख़ानदान के जासूस जो है उनके पीछे लगे हुए थे, वो बचता बचाता जो है शुमाली अफ्रीका के ज़िला जो है वो सियोता जा पहुँचा। यहाँ के बर्बर जो है उसकी माँ के रिश्तेदार थे, उन्होंने अब्दुल रहमान को पनाह दी। अब्दुल रहमान अफ्रीका छोड़कर हस्पानिया जा पहुँचा। जूबी हस्पानिया में दमिश्क की जो फौज थी वो पड़ाव डाले हुए थी। शामी सिपाहियों ने अब्दुल रहमान को अपना लीडर जो है वो चुन लिया और उसे जनूबी हस्पानिया का हुक्मरान जो है वो बना दिया। चंद सालों में अब्दुल रहमान ने पूरे हस्पानिया पर अपनी हुकूमत जो है वो कायम कर ली। अब्बासी खलीफा ने स्पेन में अपना गवर्नर जो है वो मुकर्रर कर दिया, लेकिन अब्दुल रहमान ने उसे कत्ल करके उसका सर जो है वो खलीफा को बतौर तोहफा जो है वो भेज दिया। चंद सालों में अब्दुल रहमान ने अपनी फ़ौज बना ली। ये फ़ौज 40,000 बर्बर नस्ल के लोगों पर मुश्तमिल थी। अब्दुल रहमान ने मुल्क की तरक्की और आया की खुशहाली पर भरपूर तवज्जो दी। शहरों को खूबसूरत बनाया, दारुल हुकूमत को साफ़ और ताज़ा पानी मुहैया किया और शहर के गिर्द जो है वो एक फसील जो है वो बनवाई। उसने करतबा के बाहर अपने लिए एक महल जो है वो बनाया और उसमें जो है वो एक बाग जो है वो लगवा दिया और उस महल का नाम अल जोहरा जो है वो रखा। ये 400 कमरों पर मुश्तमिल था। यहाँ पर उसके महाफ़िज़ जो है वो रहते थे। अब्दुल रहमान के दौर में स्पेन ने जो है वो तजारत, सनत और ज़रात में बहुत तरक्की की। ममलकत की आमदनी का एक तहाई हिस्सा फ़ौज पर खर्च किया जाता, एक तहाई हिस्सा जो है वो रफाए आमा के कामों पर सर्फ होता, बाकी एक तहाई हिस्सा जो है वो शाही ख़जाने में जो है वो जमा कर लिया जाता। अब्दुल रहमान 73 साल की उम्र को पहुंचकर फौत हुआ। अकॉर्डिंग टू अब्दुल रहमान के उसे पूरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ 14 दिन जो है वो नसीब हुए। तो इससे नेक्स्ट जो है वी आर गोइंग टू हैव टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन और उसमें हम पढ़ेंगे कि अब्दुल रहमान जो है उसका दौर जो है वो किस तरह का दौर था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The jewel of the world. It was in 750, ये 750 की बात है, that the Umayyad dynasty के बनु उमैया की जो शहनशाहत थी, dynasty mean line, rule or government. In Damascus, दमिश्क के अंदर was overthrown, उल्टा दी गई by the Abbasid family, बनु अब्बास की family. Overthrow mean to defeat or move someone from power using force. And accession of the Abbasids to the caliphate. Accession mean
सक्सेशन और एक्सीड टू थ्रोन। और बनु अब्बास की जो है वो खिलाफत पर जो तख्त नशीनी थी वाज सिग्नलाइज्ड, उसकी खास बात ये थी बाय रूथलेस एक्सटर्मिनेशन, तो बेरहमी के साथ खात्मा ऑफ एवरी मेंबर, हर मेंबर का ऑफ द डिफीटेड हाउस, तो शिकस्त खुर्दा जो ख़ानदान था। ऑन होम द विक्टर्स कुड ले देयर हैंड्स, तो जो भी फातह लोगों के हाथ लगा या जिन पर फातह जो है वो हाथ डाल सके। एक्सटर्मिनेशन मीन खात्मा, वैनिशिंग और एंडिंग, रूथलेस मीन मर्सीलेस, पिटीलेस और अनफॉरगिविंग। तो ये 750 की बात है जब दमिश्क में बनु अब्बास ने बनु उमैया की जो शहनशाह थी उसका तख्ता जो है वो उल्ट दिया और बनु अब्बास की जो है वो खिलाफत पर जो तख्त नशीनी थी उसकी जो ख़ास बात है वो ये थी कि शिकस्त खाने वाले ख़ानदान के हर फर्द का जो है वो बेरहम खात्मा किया गया जो कि फातहीन के हाथ चढ़ा या जो फातहीन के हाथ जो है वो लगा। अमंग द वेरी फ्यू हु एस्केप, तो जो थोड़े से बच निकले वाज अ यूथ ऑफ 20, उनमें से एक 20 साल नौजवान था अब्दुलरहमान, जिसका नाम अब्दुलरहमान था। अ स्ट्राइकिंग यंग मैन, एक जो है वो दिलकश नुमाया नौजवान, टॉल लंबे कद का, लीन दुबला पतला, विद शॉर्प तेज़ जो है वो तीखे नैन के साथ, नक्श के साथ, एक्वालाइन फीचर्स, अकाबी जो है वो नकुश के साथ, एंड रेड हेयर और सुरख बालों वाला, आयूथ एक नौजवान, ऑफ एक्सेप्शनल नर्व तो गैर मामूली जो है असाब का मालिक, एंड अबिलिटी और सलाहियत का। एक्वालाइन मीन शाहीन की तरह, ईगल आई, एक्सेप्शनल मीन एक्सीलेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी और स्पेशल। तो उन चंद लोगों में से जो बच निकले, एक 20 साल नौजवान अब्दुलरहमान भी था, वो एक दिलकश द्रास कद, दुबला पतला, तेज़ तीखे और अखाबी नकुश और सुरख बालों वाला, गैर मामूली असाब और सलाहियत का हामल नौजवान था। इट वाज ही, ये वो था, हु मेड हिज वे टू स्पेन, जिसने अपना रास्ता जो है वो स्पेन की तरफ जो है वो नापा। फॉट हिज वे टू मास्ट्री, लड़ता हुआ बादशाह तक पहुंचा, एंड कैप्ट इन पावर देयर द उमैयद डेंसिटी, और वहाँ बनु उमैया की बादशाहत को कैम किया। विच वाज वाइप्ड आउट इन द ईस्ट, जो कि ईस्ट के अंदर, मशरक के अंदर जो है वो ख़त्म हो गई थी। द स्टोरी ऑफ हिज एस्केप इज ड्रामेटिक, उसके जो बच निकलने की स्टोरी है वो बहुत ड्रामाई है। ही वाज इन अ बेडुइन कैंप ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द यूफ्रेटिस रिवर, दरिया फरात के जो है वो बाएं किनारे पर था। वन डे, एक दिन, व्हेन हॉर्समैन, जब घुड़सवार जो है, कैरिंग द ब्लैक स्टैंडर्ड्स, काले झंडे उठाए हुए, ऑफ द अब्बासी, तो अब्बासी फैमिली के ख़ानदान के, सडनली अपेयर्ड, अचानक जो है वो नमूदार हुए, ज़ाहर हुए, विद हिज 13 ईयर ओल्ड ब्रदर, अपने 13 साल भाई के साथ। अब्दुलरहमान डैश्ड इनटू द रिवर, अब्दुलरहमान ने दरिया में छलांग लगा दी। तो उसके जो है बच निकलने की जो कहानी है वो बहुत ड्रामाई है। वो एक दिन दरिया फरात के बाएं किनारे पर एक जो है वो खाना बदोशों के खेमे में मौजूद था, जब घुड़सवार अब्बासियों के जो काले झंडे थे वो लहराते हुए अचानक जो है वो नमूदार हुए। अपने 13 साल भाई समेत जो है वो जल्दी से दरिया में कूद गया। द यंगर ब्रदर, तो उसका छोटा भाई, एविडेंटली अ पुअर स्विमर, जो कि एक अनाड़ी जो है वो स्विमर था, तैराक था। एविडेंटली मीन क्लियरली, प्लेनली और अपेरेंटली। बिकेम फ्राइटेंड, वो डर गया। ही डिड द रीअश्योरेंस, उसने जो है वो यकीन दहानी पर जो है वो कान धर लिए। शाउटेड फ्रॉम द बैंक, जो कि दरिया के किनारे से आ रही थी, दैट ही वुड बी अनहार्म्ड, कि उसे नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, इफ़ ही रिटर्न, अगर वो वापस आ जाए, एंड स्विम बैक, और वो वापस आ।
तैर कर जो है वापस आ गया। रीअश्योरेंस मीन प्लेज, प्रॉमिस और ओथ। हीड मीन अटेंड टू, टेक नोटिस ऑफ या फिर तवज्जो देना। तो छोटा भाई जो कि वाज़े तौर पर एक जो है अनाड़ी या नाकस किस्म का तैराक था, वो खौफज़दा हो गया और उसने उनकी बार बार जो दोहराई जाने वाली यकीन दहानी थी उस पर कान धर लिए, जो कि वो किनारे से दोहरा रहे थे कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर वो वापस आ गया, तो वो तैर कर वापस आ गया। ही वॉज किल्ड, उसे मार दिया गया। द ओल्डर बॉय कैप्ट ऑन, तो जो बड़ा लड़का था उसने आगे बढ़ना जारी रखा। एंड गेंड द अपोजिट बैंक, और सामने वाला जो किनारा था वहाँ पर जा पहुँचा। अफुट, पैदल। फ्रेंडलेस, बेयारो मददगार, दोस्तों के बगैर। एंड फ्रेंडलेस, और पैसे के बगैर। ही सेट आउट साउथ वेस्ट वर्ड, तो वो जनूब मगरब की तरफ जो है वो निकल पड़ा। मेड हीज वे आफ्टर ग्रेट हार्डशिप्स टू फेलस्टाइन, तो मुश्किलात और मुसीबतों को झीलता हुआ फलस्तीन पहुंच गया। तो पैदल, बेयारो मददगार और खाली जेब जो है जनूब मगरब की तरफ निकल पड़ा, और बड़ी मुश्किलों के बाद, मुसीबतों के बाद जो है वो फलस्तीन पहुंचा। फाउंड वन फ्रेंड देयर, वहां उसे एक दोस्त मिला। एंड सेट ऑफ अगेन टुवर्ड द वेस्ट, और फिर जो है मगरब की तरफ जो है वो निकल पड़ा। इन नॉर्थ अफ्रीका, तो शुमाली अफ्रीका में। ही बेयरली एस्केप्ड असैसिनेशन, तो वहाँ बामुश्किल जो है वो कत्ल के मंसूबे से बचा। एट द हैंड्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, तो वहाँ के जो सूबे का गवर्नर था उसके हाथों से। असैसिनेशन मीन मर्डर, किलिंग और डेथ। वैंडरिंग फ्राम ट्राइब टू ट्राइब, तो कबीले कबीले भटकता हुआ। ऑलवेज परसुएड बाय द स्पाइज, हमेशा जसूस जो है उसके ताक़ुब में रहे। ऑफ द न्यू डिनेस्टी, तो नई जो है वो हुकूमत के। ही फाइनली रीच सियोटा, तो वो आखिरकार सियोटा पहुंच गया। फाइव ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद। ही वॉज़ अ ग्रैंड सन ऑफ द 10th खलीफ ऑफ द दमिश्क, वो दमिश्क के 10वें खलीफा का नवासा था। एंड हीज मैटरनल अंकल वर बर्बर्स फ्राम दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, उसके जो अम्मी की तरफ से अंकल थे वो बर्बर थे, जिनका ताल्लुक जो है वो शुमाली अफ्रीका से था। दे ऑफर्ड हिम रिफ्यूज, तो उन्होंने उसे जो है वो पनाह दी। इन द साउथ ऑफ स्पेन, तो स्पेन के जो है वो जनूब में। क्रॉस द स्ट्रेट फ्राम सियोटा, अब नाए सियोटा के उस पार। वर स्टेशन सीरियन ट्रूप्स, तो पड़ाव डाले हुए थे सीरिया के जो है वो फौजी दस्ते। फ्राम दमास्कस, दमिश्क के। तो अब नाए सियोटा के उस पार दमिश्क के जो शामी दस्ते थे, पेन के जनूब में पड़ाव डाले हुए थे। ही मेड हीज वे टू देम, वो उनकी तरफ चला गया। एंड दे एक्सेप्टेड हिम एज लीडर, और उन्होंने उसे अपना लीडर मान लिया। वन सदर्न सिटी आफ्टर एन अदर ओपन इट्स गेट्स टू हिम, तो जनूबी जो अंदलस के शहर थे वो एक एक कर कर उसके लिए अपने दरवाजे जो है वो खोलते रहे। इट टुक हिम सम ईयर्स मोर टू ब्रिंग ऑल ऑफ स्पेन टू सब्जेक्शन, बट ही परसिस्टेड, तो उसे जो है वो पूरे स्पेन को फतह करने में चंद साल लगे, लेकिन वो इस पर डटा रहा। Persist mean continue or carry on. Abbasid Caliph in Baghdad appointed a governor of Spain to contest his rule. तो अब्बासी खलीफा ने उसकी हुकूमत का मुकाबला करने के लिए स्पेन का एक गवर्नर जो है वो मुकर्रर कर दिया। 2 years later, 2 साल के बाद, that Caliph received a gift from Abdurrahman, तो उस खलीफा को अब्दुर्रहमान की तरफ से एक तोहफा मिला। द हेड ऑफ हिज गवर्नर, उसके गवर्नर का सर, प्रिजर्व्ड इन साल, जो कि नमक के अंदर महफूज था, एंड कम्फर और काफूर में।
एंड रैप्ड इन अ ब्लैक फ्लैग, और एक काले जो है वो झंडे में लिपटा हुआ था, एंड इन द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और परवानाए तकरर में। तो दो साल बाद जो खलीफा को अब्दुलरहमान की तरफ से एक तोहफा जो है वो मौसूल हुआ, जो कि उसके गवर्नर का सर था जो नमक और काफूर में जो है वो महफूज किया गया था, और एक जो है स्याह परचम और परवाना तकरर में लिपटा हुआ था। थैंक्स बी टू अल्लाह फॉर हैविंग प्लेस द सी बिटवीन अस एंड सच अ फो। तो अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारे और ऐसे दुश्मन के दरमियान में समंदर रखा हुआ है। वॉज द कैलफ्स फर्वेंट रिजॉइंडर। रिजॉइंडर मीन आंसर रिस्पॉन्स, और फर्वेंट मीन पैशनेट इंटेंस। तो ये उस जो खलीफा का जज्बाती जो है वो जवाब था। इन द प्रोसेस ऑफ सबड्यूइंग हिज एडवर्सरीज। सबड्यू मीन कंकर, डिफीट, ओवरपावर और मास्टर। एडवर्सरीज मीन अपोनेंट्स, अपोजर्स और एनिमीज, दुश्मन। अब्दुलरहमान डेवलप्ड द वर्ल्ड सी प्लंट हाईली ट्रेंड आर्मी ऑफ 40,000 और मोर बर्बर्स। तो अब्दुलरहमान ने 40,000 या उससे ज़्यादा जो है बर्बरों पर मुश्तमिल एक इंतहाई वेल डिसिप्लिनड, इंतहाई मुनज़्ज़म और जो है वो खूब तरबियत याफ्ता फौज जो है वो तैयार की। ही न्यू हाउ टू कीप देयर फेवर बाय जेनरस पे। वो जानता था कि किस तरह फराख दिली के साथ तनख्वाह देकर वो उनकी हमायत जो है वो हासिल कर सकते हैं। इन 773 तो 773 में ही डिसकंटिन्यूड द फ्राइडे सरमन। तो उसने जुमा के दिन दिया जाने वाला जो खुतबा था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको रोक दिया। हिदरटू डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ द अब्बासिड खलीफा, जो अभी भी अब्बासी जो खलीफा था उसके नाम पर दिया जाता था। बट डिड नॉट अज्यूम द कैलफ्स टाइटल हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने लिए जो है खलीफा का लकब जो है वो इख्तियार ना। ही एंड हिज सक्सेसर्स डॉन टू अब्दुलरहमान थ्री कंटेंडेड देमसेल्फ्स विद द टाइटल अमीर। वो और अब्दुलरहमान सोम तक जो है उसके जो जानशीन थे अमीर के लकब पर जो है वो कंटेंट रहे, काने रहे। अंडर अब्दुलरहमान फर्स्ट, तो अब्दुलरहमान जो अव्वल था उसके ज़ेर तसल्लत या उसकी जो है बादशाहत में, फेन हैड दस बीन द फर्स्ट प्रोविंस, तो स्पेन वो पहला सूबा था, टू शेक ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द, तो जिसने इख्तियार को रद्द कर दिया, ऑफ द रिकग्नाइज्ड खलीफ इन इस्लाम, इस्लाम के मुसलमान खलीफा के इख्तियार को। तो अब्दुलरहमान अव्वल के जो है दौरे हुकूमत में अंदलुस वो पहला सूबा था जिसने इस्लाम के जो मुसलमान खलीफा के इख्तियार थे उनको रद्द किया था। विद हिज रियलम कंसोलिडेटेड, रियलम मीन किंगडम, एम्पायर, कंसोलिडेटेड मीन स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और सिक्योर। तो अपनी सल्तनत को स्ट्रॉन्ग करने के बाद, मुस्तहकम करने के बाद, अब्दुलरहमान टर्न टू द आर्ट्स ऑफ पीस, तो अब्दुलरहमान जो है फ़नून लतीफ़ा की तरफ जो है वो मुतवज्जे हुआ। इन विच ही शोड हिमसेल्फ एज ग्रेट एज इन द आर्ट ऑफ वार, वहाँ उसने अपने आप को जंगी फ़नून की तरह जो है वो अजीम साबित की। अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के बाद अब्दुलरहमान जो है फ़नून लतीफ़ा की तरफ जो है वो मुतवज्जे हुआ, जिसमें उसने ख़ुद को जंगी फ़नून की तरह अजीम जो है वो साबित किया।